आज से कुछ समय पहले तक बहुत ही कम लोग जानते थे कि एआई क्या होता है और इसका क्या मतलब है, लेकिन आज हर बच्चे को पता है कि एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये टूल हमारी लाइफ को इजी बनाने में बहुत तरह से अपना कंट्रीब्यूशन देता है। सच ही तो है, आज मेडिसिन हो या एजुकेशन, रोबोटिक्स हो या एग्रीकल्चर, या फिर फाइनेंस या ट्रांसपोर्टेशन, हर एक एरिया में एआई का यूज किया जाता है और इसने हमारी जिंदगी को पहले से बहुत ही ज्यादा आसान, एडवांस और कंफर्टेबल बनाया है। एआई कंप्यूटर की थिंक और लर्न करने की एबिलिटी होती है। एआई के जरिए कंप्यूटर्स ऐसे काम पूरे कर सकते हैं जो कि इंसान किया करते हैं, जैसे लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लर्निंग। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर एरिया में, हर फील्ड में अपना इम्पैक्ट छोड़ने वाला एआई बिजनेस को ग्रो करने में भी मदद करता है? हाँ बिल्कुल, बिजनेस में इन्वॉल्व्ड हर एक कंपनी टॉप पोजीशन पर पहुंचना चाहती है, तो ऐसे में सक्सेसफुल मल्टीनेशनल कंपनीज एआई के फीचर्स जैसे ऑटोमेशन, बिग डेटा एनालिटिक्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करने लगी है ताकि वो अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बेहतर बना सके। और अब तो स्मॉल कंपनीज ने भी एआई को अपने बिजनेस में शामिल करना शुरू कर दिया है। आखिर चाहते तो सब स्पीड और एफिशिएंसी ही है, और फिर ये तो बिजनेस की बात है जिसमें हर कोई तेज रफ्तार से आगे निकलने की कोशिश में लगा रहता है। अब ऐसे में एक बिजनेस को एआई किस तरह और ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, यानी एआई की कौन सी एप्लीकेशंस बिजनेसेस में यूज की जाती हैं, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपको जरूर से देखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बिजनेस में एआई की एप्लीकेशंस आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक सपोर्ट पर। नंबर एक पर है साइबर सिक्योरिटी। आजकल हर बिजनेस ऑनलाइन है और उसका डेटा ब्रीचिंग और लीकेज के खतरों में घिरा रहता है, इसलिए हर बिजनेस को ऑनलाइन सिक्योरिटी की जरूरत होती है, क्योंकि एक बिजनेस का इंपॉर्टेंट डेटाबेस जैसे फाइनेंशियल डेटा, स्ट्रेटजीज और प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन स्टोर रहती है। और ऐसे में एआई इन बिजनेसेस को साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करा करके हेल्प करता है। एआई की मदद से साइबर एक्सपर्ट्स अनवांटेड डेटा को डिटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी तरह के मालवेयर या अबनॉर्मल एक्टिविटीज का पता लगाकर आगे होने वाले साइबर अटैक के लिए तैयार रह सकते हैं। बिजनेस को मिलने वाली ये मदद बहुत ही बड़ी है, क्योंकि आज बिजनेस में सबसे जरूरी उसका डेटा ही होता है। नंबर दो पर है हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट। एक कंपनी में हर दिन कितने सारे रेज्यूमे आते हैं, एक सिंगल पोजीशन के लिए सैकड़ों कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, तो ऐसे में एचआर टीम के लिए ये बहुत ही टफ टास्क हो जाता है कि हर रेज्यूमे को पर्सनली चेक करे और परफेक्ट कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करे। कंपनीज की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी एआई काफी मदद करता है। AI एंड NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करके कंपनीज रेज्यूमे में से ऐसे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर पाती है जो कि उनकी जरूरत के हिसाब से मैच कर रहा हो। इसके लिए लोकेशन, स्किल्स और एजुकेशन जैसे डिफरेंट एस्पेक्ट का एनालिसिस किया जाता है और HR टीम का प्रेशर कम कर दिया जाता है। आपको बता दें कि NLP एक मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर्स को ये एबिलिटी देती है कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को इंटरप्रेट, मैनिपुलेट और कॉम्प्रीहेंड कर सके। ऑटो करेक्ट, ईमेल फिल्टरिंग और मशीन ट्रांसलेशन इसी के एग्जांपल्स हैं। नंबर तीन पर है कस्टमर एनालिसिस। एक बिजनेस के लिए उसके कस्टमर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि बिजनेस चलते ही कस्टमर्स के लिए है। कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता है और अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स बड़े से बड़े ब्रांड को भी ब्रेक कर सकते हैं। इस बात को हर बिजनेस समझता है, इसलिए अपने कस्टमर बेस को एनालाइज करना और उसके अकॉर्डिंग ऐसी स्ट्रेटजीज बनाना बहुत ही जरूरी समझता है जिससे कस्टमर एंगेजमेंट इंक्रीज और इम्प्रूव हो सके। पहले ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता था, लेकिन आज एआई के जरिए कंपनीज ऐसे सर्वेस कर सकती है जो कि कस्टमर फीडबैक का एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड कराएगा, जिसकी मदद से बेहतर एंगेजमेंट के लिए स्ट्रेटजीज बनाई जा सकेंगी और उन्हें जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट भी किया जा सकेगा। इसका मतलब एआई बिजनेस को कस्टमर सेंट्रिक बनाने में मदद कर रहा है, जिससे कंपनी को अल्टीमेटली प्रॉफिट ही मिलता है। नंबर चार पर है टारगेटेड मार्केटिंग। आज हर बिजनेस के पास ये एडवांटेज है कि वो इंटरनेट का यूज करके ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर बन सकता है, और बिजनेस को ग्रो करने के लिए मार्केटिंग, खासकर टारगेटेड मार्केटिंग बहुत ही जरूरी हो जाती है। ये टारगेटेड मार्केटिंग या टारगेटेड एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का एक मेथड है जो NLP और AI की मदद से किया जाता है, और इसमें स्पेसिफिक ऑडियंसेस को एड्स दिखाए जाते हैं। ये स्पेसिफिक ऑडियंस उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज के बेस पर डिसाइड होती हैं, और क्योंकि इस मेथड में स्पेसिफिक ऑडियंस तक ही अप्रोच करनी होती है तो बिजनेस का बहुत सारा पैसा भी बच जाता है।
और ऑडियंसेस से कस्टमर्स बनने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा ही होती है। नंबर 5 पर है सोशल मीडिया एंड AI। अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया आज एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन चुका है, और जो कंपनीज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सही यूज करना जानती है उन्हें मिलने वाले कस्टमर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। और इतने बड़े कस्टमर बेस के डेटा को प्रोसेस करने का काम AI ही करता है, जो रेवेन्यू, प्रोडक्टिविटी, बिजनेस ग्रोथ, एफिशिएंसी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसी की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को इम्प्रूव करता है, जिससे बिजनेसेस के लिए बेहतर परफॉर्म करना आसान हो जाता है। सोशल मीडिया एनालिटिक्स के जरिए बिजनेसेस यूजर एंगेजमेंट को भी ट्रैक कर सकते हैं और अपनी टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट और हैशटैग्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। इनके जरिए मार्केटर्स के लिए अपनी मार्केटिंग फेलियर्स और गलतियों को पहचानना और उसमें सुधार करना भी पॉसिबल हो पाता है, जिससे कि बिजनेस का ग्रो करना आसान होने लगता है। नंबर 6 पर है वर्चुअल असिस्टेंट्स एंड कॉन्वर्सेशनल इंटरफेसेस। हर बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ऑफर करता है और ये चाहता है कि उसका कस्टमर बेस एक्सपैंड हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसके कस्टमर्स बने और उसकी सर्विस से सेटिस्फाई हो। इसके लिए लोगों के बीच अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सप्लेन करना जरूरी है और हर एक की क्वेरी और डाउट्स को क्लियर करना भी जरूरी है। लेकिन एक बिजनेस ओनर के लिए तो ये करना पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए AI उसकी मदद करता है। AI के जरिए ही बिजनेसेस अपनी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस में वर्चुअल असिस्टेंट्स और चैट बोट्स का ऑप्शन दे पाते हैं, जो कंपनी के बारे में कस्टमर्स की क्वेरीज का आंसर देते हैं और 24/7 कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। चैटबोट जैसे कॉन्वर्सेशनल इंटरफेस में प्री प्रोग्राम्ड आंसरिंग सिस्टम होता है, जो आंसर देते समय स्पेसिफिक पैटर्न्स को फॉलो करता है, और टाइम के साथ ये और भी ज्यादा इम्प्रूव्ड और एडवांस बनता जा रहा है, जिसका और भी ज्यादा बेनिफिट बिजनेसेस को मिल पाएगा। नंबर 7 पर है प्रपोजल रिव्यू। बिजनेस में प्रपोजल रिव्यू की भी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। एक बिजनेस प्रपोजल ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिस्क्राइब करता है और वो कैसे एक पर्टिकुलर क्लाइंट की जरूरतों को सेटिस्फाई कर सकता है, ये एक्सप्लेन किया जाता है। इस प्रपोजल को रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है और इस काम को भी AI बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। ये आसानी से किसी भी बिजनेस प्रपोजल को मशीन लर्निंग की मदद से एनालाइज कर सकता है। इसके लिए AI प्रपोजल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बहुत ही एफिशिएंटली काम करते हैं और प्रपोजल का बेस्ट आउटकम देते हैं। इनकी हेल्प से टाइम की बचत भी होती है और बहुत हद तक करेक्ट प्रिडिक्शंस भी मिल जाते हैं, जो सही क्लाइंट के साथ डील करने के लिए मदद करते हैं और रॉन्ग क्लाइंट्स के साथ डील करने से हमें बचाते हैं। तो ऐसे में कंपनी का फायदा ही फायदा होता है। तो इस तरह आपने देखा कि हर फील्ड में हमारी मदद के लिए तैयार AI किस तरह बिजनेस वर्ल्ड को ग्रो करने में मदद कर रहा है, और इस मदद से हर बिजनेस कम समय में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देकर सक्सेस गेन कर पा रहा है। लेकिन AI से हेल्प लेने के दौरान बिजनेसेस को ये हमेशा याद रखने की जरूरत भी है कि वो सिक्योर AI सिस्टम का ही यूज करें और रिस्पॉन्सिबल AI प्रैक्टिसेस को ही अडॉप्ट करें, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी को अपनाना अच्छा होता है, समय के साथ चेंजेस अच्छे होते हैं, लेकिन पहले उसे अच्छी तरह समझ लेना भी जरूरी है। इसलिए जल्द से जल्द ज्यादा प्रॉफिट कमाने के इरादे में बिजनेस एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी ना करें और सिक्योरिटी से भी, ताकि AI आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड बनकर रह सके। तो इस वीडियो की जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में हमें लिख करके जरूर बताइएगा। आगे कोई और सवाल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी लिख भेजिए, और थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि एक टॉपिक को सर्च किया जाता है, पूरी रिसर्च की जाती है, लिखा जाता है, वीडियो बनता है, वॉइसिंग होती है, तो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, आपके सवाल का जवाब आपको जल्दी ही मिलेगा क्विक सपोर्ट पर। वैसे अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, काफी टाइम से आप वीडियोस देख रहे हैं, मजा आ रहा है, तो प्लीज एक काम कीजिए ना, लगे हाथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो रूबी आपसे मिलेगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।